नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप देख रहे हैं मास्टर वीडियो ऑफिशियल। और अभी बिहार SSC का एग्ज़ाम आज से शुरू हुआ, मेरा फर्स्ट शिफ्ट में था, अभी देख के निकले हैं। तो उसमें मेरा कैसा क्या गया और साथ ही एग्ज़ाम का लेवल कैसा था, क्या दिक्कत हुआ, वो सब साझा करेंगे, जिससे जो सेकंड शिफ्ट में है उनको भी और जो कल भी दो शिफ्ट है तो उन लोगों को भी थोड़ा बहुत हेल्प मिल जाएगा, इसी बात करेंगे। पर इससे पहले बता दें कि टेस्ट बुक का प्रैक्टिस सेट अगर अभी तक नहीं लिए हैं तो अभी अच्छा खासा ऑफर चल रहा है, जिसके अंतर्गत आपको 269 रुपये में साल भर का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। और इसमें 600 से अधिक अलग अलग एग्ज़ाम का प्रैक्टिस सेट है, क्वेश्चन बैंक भी दिया गया जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, और वही 12 से अधिक लैंग्वेज में, और 16 लाख के आसपास बच्चे इनरोल हैं, ताकि आपको रियल कंपटीशन ही पता चल पाएगा। और साथ ही अभी ठंडी के चलते रूम हीटर प्रत्येक दिन 5 कैंडिडेट को मिलेगा, तो एक एक्स्ट्रा ऑफर है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, कोड यूज़ करना है MBU, जो भी मैक्सिमम डिस्काउंट होगा वो आपको मिल जाएगा। बात करते हैं सबसे पहले जो एग्ज़ाम में दिक्कत हुआ, सबसे पहले अटेंडेंस की बात करते हैं, अटेंडेंस कितना था, क्योंकि लेवल 6 वाले का ट्रेनिंग शुरू हो गया है तो अटेंडेंस थोड़ा चांस था कि कम बनेगा, पर ऐसा नहीं है। अटेंडेंस की बात करें तो करीब 80% तक मुझे लगा, मेरे रूम में 7 से 8 कैंडिडेट एबसेंट थे कुल 20 या 25 का में, तो कह सकते हो 70 से 80% जो है वो अटेंडेंस था। क्वेश्चन में दिक्कत की अगर बात करें तो जो क्वेश्चन जैसे आप सेट दे रहे होगे तो उसमें GK का क्वेश्चन अलग था, मैथ अलग था, या फिर जो साइंस का अलग था, इसमें ऐसा नहीं था, काफ़ी मिक्सअप करके दिया गया था। और इससे पहले जो एग्ज़ाम होता था उसमें क्या होता था कि एक साइड पूरा इंग्लिश करता था और एक साइड पूरा हिंदी रहता था। इसमें ये है कि एक लाइन आपका इंग्लिश में रहेगा, एक लाइन हिंदी में रहेगा, वो भी थोड़ा बहुत दिक्कत किया। और जो भी प्रैक्टिस कर रहे थे जो ऑनलाइन सेट दे रहे होंगे उनको थोड़ा इसमें और प्रॉब्लम होगा, क्योंकि उसमें टाइम का थोड़ा दिक्कत हो जाएगा। आप ये मत सोचिएगा कि घर पे, क्योंकि हम भी जो प्रैक्टिस सेट देते थे तो मेरा उसमें करीब 1 घंटा या 50 मिनट के आसपास बच जा रहा था, लेकिन यहाँ पे टाइम का थोड़ा दिक्कत हो जा रहा था। तो थोड़ा इस पर ध्यान रखिएगा कि टाइम नहीं बचेगा, क्योंकि उसको रंगने में जो है ना वो करीब आधा घंटा का टाइम लग जाता है, तो उसको थोड़ा फास्ट वे में कीजिएगा। ये तो हो गया। क्वेश्चन का लेवल की बात करें तो हमको मैथ में 2 या 3 क्वेश्चन डिफ़िकल्ट लगा। एक था जो अनुपात का क्वेश्चन है, अनुपात में क्या था कि जैसे 3 बर्तन में किसी फिक्स रेशियो में, जैसे 4:1, 2:3, और 5:6 ऐसे करके दे दिया गया है, और फिर उसको किसी सर्टेन अमाउंट में 2:3:1 में मिलाया गया है, तो फिर दूध और पानी का जो मिश्रण था वो आपको पूछा जा रहा था कि किस अनुपात में होगा। तो वो क्वेश्चन थोड़ा देख लीजिएगा, आसान होता है अगर आपको आता है, नहीं तो आपको टाइम टेकिंग हो जाएगा, वो काफ़ी हमको डिफ़िकल्ट लगा था। एक जो और डिफ़िकल्ट वाला क्वेश्चन टाइम ले सकता है वो क्या था कि 1221 × 1222 × 1223 था, उसको 12 से डिवाइड देंगे तो कितना शेषफल बचेगा, ये हमको थोड़ा डिफ़िकल्ट लगा। हो सकता कोई ट्रिक आता होगा पर मुझे नहीं आ रहा था, तो मुझे उसमें टाइम लग गया। एक क्वेश्चन त्रिकोणमिति से क्वेश्चन कोई भी नहीं था, एक फिजिक्स से क्वेश्चन था कि टॉर्क से रिलेटेड था, कि ब्याज से एक मतलब टॉर्क का पूछा जा रहा था, MR² वेव 4 या कुछ ऐसा उसका होता है, तो ये पूछा जा रहा था। मैथ के भी पहले बात कर रहे हैं, मैथ में हमको बस यही 2 से 3 क्वेश्चन डिफ़िकल्ट लगा। रीजनिंग में 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे थे जो आपको प्रॉब्लम क्लियर कर सकता है, उसमें एक क्वेश्चन गलती था, मतलब मुझे जो लगा, जिसमें ये था कि जैसे दिस इज ए कॉक, उसको होता है ना काटा पा करके जो कोड किया जाता है, तो उसमें एक क्वेश्चन में था कि बीइंग या वेरी का कुछ पूछा जा रहा था कि उसका कोड में क्या होगा, तो ऑप्शन में वो नहीं, मतलब ऑप्शन में सारा मैच कर रहा था, मतलब वो क्वेश्चन ही गलत था, ठीक ना। तो एक क्वेश्चन उसमें को गलत लगा था, और रीजनिंग में 3-4 क्वेश्चन डिफिकल्ट था, वो आपको मतलब प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, तो रीजनिंग में थोड़ा टाइम लगेगा। तो जो आपका हार्ड क्वेश्चन होगा उसको बाद में बनाइएगा, जो हल्का हल्का हो पहले उसको कलर कर लीजिएगा, तब टाइम बचेगा, फिर आप उधर आइएगा। GK की बात करें तो GK में 50% आसान, 50% इंग्लिश, मतलब आसान था और डिफ़िकल्ट था। साइंस का बाद में बात करेंगे, साइंस डिफिकल्ट था थोड़ा। साइंस में GK का क्वेश्चन कौन कौन सा था, जैसे कि 23वें जो जयंत के तीर्थकर थे उसका नाम पूछा गया था, GK का थोड़ा हमको आसान लगा था, जैसे आंग्ल मराठा युद्ध जो हुआ था वो किसके किस गवर्नर जनरल के टाइम में हुआ था, या फिर जो जैसे जापान के जो प्रधानमंत्री थे शिंजो आबे, उनका संबंध किस देश से है, UAE का करेंसी कौन सा है, तो ये सब कुछ ऐसा प्रश्न था जो आसान था। करंट का अगर बात करें, करंट में एक क्वेश्चन था यूनेस्को का शांति पुरस्कार किसे दिया गया है, तो मुझे नोबेल का शांति पुरस्कार कोई चाइनी मतलब ये रशियन था, उसका हम नाम टिक कर दिया, हमको याद नहीं था। क्वेश्चन था यूनेस्को का शांति पुरस्कार किसे दिया गया है, तो ये थोड़ा याद रखिएगा। एक लिथुआनिया जो है वो किस देश की राजधानी है, ये पूछा गया था। और मतलब करंट बहुत अधिक डिफ़िकल्ट नहीं था, कुछ कुछ डिफ़िकल्ट, एक और क्या था, शैवाल और कवक के बीच का जो सहसंयोजक होता है उस टाइप का था। एक था डिफ़िकल्ट लैक्टोमीटर में कुछ था, वो क्वेश्चन हमको याद नहीं है, मतलब वो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन था, लैक्टोमीटर जिसे दूध मापते हैं तो वो किस पे बेस्ड होता है या कुछ ऐसा था, वो डिफ़िकल्ट था। एक बीटा रे के बारे में कुछ था, मतलब साइंस के बारे में थोड़ा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन था, मतलब कुछ क्वेश्चन तो आसान भी था लेकिन अधिकतर क्वेश्चन साइंस का डिफ़िकल्ट ही था, कोई डिजीज उजीज से प्रश्न नहीं था। करंट की बात करें तो करंट से हमको 7 से 8 प्रश्न लगा, तो वो कुछ प्रश्न आसान था, कुछ प्रश्न डिफ़िकल्ट था। एक बुक का था कि
ट्रंप करके जो एक बुक का नाम होता है, हाउ टू एट ट्रंप या कुछ ऐसा ही है, उसके राइटर का नाम पूछा गया था। मतलब हम उसमें तो हालांकि अटैम्प्ट किए हैं अभी 135 के आसपास, तो उसमें जीके मेरा गलती हो जाता है, तो देखिए कितना क्या गलती होता है, लेकिन अटैम्प्ट संभवतः आप लोगों का भी 120 के आसपास तो पक्का चला ही जाएगा। लेकिन थोड़ा स्पीड कीजिएगा क्योंकि टाइम का दिक्कत, क्योंकि जनरली सब ऑनलाइन सेट करते हैं तो टाइम का दिक्कत हो जाएगा, इसलिए थोड़ा फास्ट में बनाइएगा। क्वेश्चन आसानी है, बहुत अधिक इधर उधर नहीं मारना है, आराम से दीजिएगा, अच्छा ही जाएगा। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, शाम तक रूम पे पहुंच जाएंगे क्योंकि बेगूसराय आए हुए हैं, यहाँ से बहुत घटिया रूट है गाँव का, तो अगर पहुंच जाएंगे तो क्वेश्चन लिख के होगा तो पूरा सही तरीके से व्याख्या कर देंगे, नहीं तो फिर कल किया जाएगा वो। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।